हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेप पीड़िता बच्चे के साथ पहुंची रेलवे ट्रैक, पीड़िता को समझाने नशे में आए पुलिसकर्मी उलझे, विरोध पर भागे। रेप पीड़िता महिला ने कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर जटिया समाज के भवन के सामने रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गई और सुसाइड का प्रयास करने लगी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शराब के नशे में होने से वहां पर खड़े लोगों से उलझ गए। मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया। 3 पुलिसकर्मियों को वहां से भागना पड़ा। कोतवाल व डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। वहीं महिला को कोतवाली थाने लेकर गए। दरअसल 15 दिन पहले पीड़िता ने नंदोई सहित 2 लोगों के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज करवाने की भनक लगने पर नंदोई और उसके साथ अन्य लोगों ने उसी रात को मारपीट की। सदर थाने ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। दोनों मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार रात को करीब 10 बजे रेप पीड़िता ने अपने बच्ची के साथ जटिया समाज के भवन के सामने रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गई और सुसाइड की कोशिश की। सूचना मिलने पर कोतवाली से हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल रामकेश बिना लेडीज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़िता को रेलवे ट्रैक से समझा रहे थे। इसी दौरान वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताई। पुलिसकर्मियों व लोग आपस में उलझ गए। ज्यादा विरोध होते हुए देख पुलिसकर्मियों को मौके से भागना पड़ा। वहां पर खड़े लोगों का कहना है कि हेड कांस्टेबल देवाराम और कांस्टेबल रामकेश शराब के नशे में थे। विरोध और हंगामे के बाद पुलिस जवानों ने गाड़ी में सवार होकर मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हंगामा व विरोध होने के बाद भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कोतवाल व डीएसपी मौके पर पहुंचे। हंगामे और विरोध के बाद कोतवाल उमंग राज सोनी व डीएसपी आनंद पुरोहित मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। महिला का आरोप है कि FIR होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसी वजह से महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर पटरी पर बैठ गई। समझाइश के बाद ये मामला शांत हो गया। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। जालौर भीनमाल निवासी महिला की शादी 2012 में सिंधरी निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कई सालों बाद तक ससुराल वालों का व्यवहार और उसके पति का व्यवहार अच्छा रहा। इस दौरान पीड़िता के बेटा और बेटी भी हुई। पति शराबी था। 2 साल पहले सास ससुर ने दहेज के लिए मारपीट करना शुरू कर दिया। जून माह 2021 में ससुराल से बाहर निकाल दिया। बाड़मेर शहर निवासी नंदोई पीड़िता को बाड़मेर लेकर आया और कहा कि तेरे ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद का उसने आश्वासन दिया। नंदोई ने पीड़िता को साथ में रखने और शादी करने और अपनी पत्नी को तलाक देने का झांसा भी दिया। पीड़िता को अपने विश्वास में लेकर और शादी का झूठा झांसा देकर नंदोई ने करीब 9 से 10 माह तक उसे साथ में रखकर रेप किया और गर्भपात भी करवाया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर झांसा देने, मारपीट और रेप सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकड़ा राम मेघवाल की रिपोर्ट।